अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पलामू जिला अंतर्गत मेदिनीनगर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार हॉल में यानी टाउन हॉल में पलामू जिला सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अभय वर्मा ने किया, जबकि संचालन विभाग छात्रा प्रमुख दीक्षा कुमारी ने की। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ला उपस्थित थे। कार्यक्रम से पूर्व परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्वागत करते हुए उन्हें रैली के माध्यम से 20 फुटा पुल होते हुए पुलिस लाइन 6 मुहान चौक होते हुए सुभाष मंजिल चौक होते हुए उन्हें दीनदयाल उपाध्याय सभागार हॉल में प्रवेश कराया। तत्पश्चात कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रोफेसर के मिश्रा मुख्य वक्ता और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री व झारखंड प्रदेश की छात्रा सह प्रमुख स्नेहा गुप्ता, जिला प्रमुख केसी झा, जिला संयोजक अभय वर्मा, नगर मंत्री रामाशंकर पासवान उपस्थित थे। सभी मंचासीन कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। परिषद के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पलामू की जमकर सराहना की। कहा, पलामू में व्याप्त शैक्षणिक अराजकता के विरुद्ध अधिकार है, पलामू में व्याप्त सामाजिक अराजकता के विरुद्ध हुंकार भरना। कहा, इस हुंकार का उद्देश्य ही है यहां से शिक्षा और सामाजिक परिदृश्य को लेकर जो चर्चाएं होंगी उसे समाज तक ले जाएं और समाज और शैक्षणिक परिसरों में सकारात्मक शैक्षणिक माहौल स्थापित करने हेतु कार्य किया जाए। कार्यक्रम के उद्घाटन भाषण में जिला संयोजक अभय वर्मा ने कार्यक्रम की विधिवत जानकारी दी। तत्पश्चात के मिश्रा जी ने अपने संबोधन में कहा कि विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही राष्ट्र हित की भावना से परिपूर्ण होकर समाज हित और छात्र हित में कार्य करने हेतु निरंतर लगा हुआ है और आज संघर्ष और साधना के 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। कार्यक्रम में पलामू के वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य और पलामू के वर्तमान सामाजिक परिदृश्य पर प्रस्ताव भी पारित किए गए, जिसे आधार बनाकर परिषद के कार्यकर्ता अगले वर्ष तक शैक्षणिक परिसर और समाज के लोगों के बीच कार्य करेंगे। झारखंड की वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य में शिक्षा मनुष्य के सामाजिक जीवन में एक बहुत आवश्यक साधन है। शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य समाज में प्रतिष्ठा व सम्मान अर्जित करता है। राज्य के गठन के 22 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज राज्य की शिक्षा व्यवस्था संतोषपूर्ण नहीं है। विश्वविद्यालय में व्याप्त शैक्षणिक अराजकता को राज्य सरकार दूर करे। पलामू जिले के सभी स्कूलों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों की घोर कमी को राज्य सरकार अविलंब दूर करे। साथ ही अनेक प्रकार के विषयों पर मंथन किया गया एवं पारित किया गया। तत्पश्चात शोभा यात्रा पूरे शहर में निकाली गई। शोभा यात्रा में अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा परिषद के कार्यकर्ताओं पर पुष्प वर्षा किया गया एवं राष्ट्रीय महामंत्री को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। महिंद्रा आर्केड के साहिब जीत सिंह नामधारी पुष्प वर्षा किया एवं पगड़ी बांधकर सम्मानित किया। साथ ही शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायियों के द्वारा भी परिषद के कार्यकर्ताओं की शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा किया गया एवं राष्ट्रीय महामंत्री को भी सम्मानित किया गया। तत्पश्चात 6 मुहान पर खुला अधिवेशन का आयोजन किया गया। इसका संचालन प्रदेश सोशल मीडिया प्रमुख रोहित देव ने किया। इस अवसर पर उपस्थित वक्ताओं में परिषद के प्रदेश कार्य समिति सदस्यों में विनीत पांडे ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा के नाम पर छात्रों को जो छलने का प्रयास किया जा रहा है वह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बेरोजगारी से छात्र परेशान है। वर्तमान झारखंड सरकार छात्रों के साथ जो व्यवहार कर रही है वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे सरकारों को परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा उखाड़ फेंकने का कार्य किया जाएगा। वहीं विभाग छात्रा प्रमुख दीक्षा कुमारी ने कहा कि छात्राओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य सरकार को कड़ी कानून बनाने की आवश्यकता है, अन्यथा पूरे प्रदेश की छात्राएं अपने हित हेतु बिगुल फूंक आएंगी और ऐसे भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य करेगी। नगर सभा मंत्री अभिषेक कुमार रवि ने छात्रों को नशाखोरी से दूर रहने की सलाह दी। जिला एसएफडी प्रमुख सुमित पाठक ने विश्वविद्यालय महाविद्यालय में व्याप्त शैक्षणिक अराजकता को इंगित करते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार इस पर अविलंब कड़ी कार्रवाई करे, अन्यथा विद्यार्थी परिषद सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। नगर मंत्री रामाशंकर पासवान ने धन्यवाद ज्ञापन कर कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की। सभी हमारे
छात्र भाई जी बैठ गए किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पूरे देश भर लगभग 700 से ज्यादा स्थानों पर जिले की स्थानीय शैक्षणिक समस्या और स्वावलंबी भारत में नौजवानों की भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए, भारत के वास्तविक पहचान से नौजवानों को रूबरू कराने के लिए इस प्रकार का छात्र हुंकार छात्र संगम अलग अलग नामों से आयोजन हो रहा है। और आयोजन के माध्यम से सभी छात्र हम दो प्रस्ताव इस अंदर मिला रहे हैं, जिले के अंदर में किस प्रकार से छात्रों को ज्यादा से ज्यादा चाहे शिक्षा का हो चाहे रोजगार का हो उसका अवसर मिले, और जिले की शैक्षणिक निराकरण के लिए छात्र हुंकार हो रहा है ताकि यहाँ की सरकार को जगाया जा सके। पलामू जैसे एरिया के अंदर में आज भी मूलभूत सुविधाओं से नौजवान वंचित है, आज भी विद्यालय में शिक्षक नहीं है, महाविद्यालय में प्राचार्य नहीं है, विश्वविद्यालय तंगी हालत में चल रहा है। इसलिए सरकार को जगाने के लिए आज छात्र हुंकार कर रहे हैं ताकि सोई गूंगी बहरी सरकार जागे और पलामू जैसे छात्रों के आवाज के आधार पर इस क्षेत्र के अंदर में सकारात्मक परिवर्तन के लिए सरकार आगे आए। इन्हीं विषयों को लेकर के आज छात्र हुंकार का आयोजन आपका यहाँ केवल राष्ट्रीय महामंत्री विद्यार्थी